तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई फ़ोटो एडिटिंग वीडियो में। तो गाइस, आजकल हर कोई अपने फ़ोटो में अच्छा दिखना चाहता है, जो सिर्फ एडिटिंग के द्वारा ही मुमकिन है। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताऊंगा जो कि आपके फ़ोटो को चंद मिनटों में ही, चंद सेकंडों में ही एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके देगा, और आप भी आसानी से उस AI की मदद से, चाहे वो बर्थडे फ़ोटो एडिटिंग हो, चाहे फिर वो एक नेचर फ़ोटो एडिटिंग हो, या फिर किसी और टाइप का फ़ोटो एडिटिंग हो, आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने फ़ोटो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोड़कर अपने आप को अच्छे से गेन कर सकेंगे। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देरी के गाइस आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमें करना क्या है गाइस, हमें अपने फ़ोन का क्रोम हो, ब्राउज़र हो या फिर गूगल हो, कुछ भी खोल लेना है और उस पर सर्च करना है Adobe Firefly। सर्च करने के बाद जो भी पहली वेबसाइट खुलकर आएगी, हमें उसे ओपन कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वेबसाइट के खुलते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके हमें जनरेटिव फिल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कोई भी फ़ोटो जो हमें एडिट करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। तो आपको फिर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हाँ, आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोटो का जो भी हिस्सा चेंज करना है, बदलना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐड के द्वारा, और जो भी चीज़ मंगानी हो या अपने आपको फ़ोटो में चाहिए उसे लिख देंगे, जैसा कि मैंने चेंज केक लिखा है। इसके बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने चेंज केक टाइप करा है, तो हमें 3 तरह के केक AI बनाकर देगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, Type 1, Type 2, Type 3। आपको इन केकों में से जो भी पसंद हो उसे आप कीप के द्वारा अपने फ़ोटो में ला सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको अपने फ़ोटो में कुछ और भी चेंज करना हो, जैसे साइड में मेरे को ये चेंज करना है थोड़ा सा, तो गाइज मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा इस एरिया को। कभी कभी क्या होता है गाइज, ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हो जाता है, उसके लाग ऐड के बराबर में एक सब स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, आप उसके द्वारा अपने जो फ़ोटो का, आपने जो हिस्सा सेलेक्ट करा है उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ और मंगाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख कर भेजा है चेंज एरिया या कुछ भी चेंज करके, तो ये मेरे को 3 टाइप के यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके देगा, जैसे Type 1, Type 2, Type 3। अब आपको जो भी पसंद है, जैसे मेरे को पहला वाला पसंद आया, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और कीप कर लूँगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को बड़े ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को ऊपर का हिस्सा चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करके जनरेट कर देना है गाइज, और जिसके बाद ये हमें AI जनरेट करके देगा। अब आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे रख सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है आप उसे हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद गाइज, ये हमको 3 टाइप के AI जनरेट करके देगा, Type 1, Type 2, Type 3। तो आपको जो भी पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो कंप्लीट होने के बाद गाइज, हमें जो ऊपर शेयर का निशान दिया है उस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर का वेट लेगा। वेट लेने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।